तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कलरलेस ब्लेंडर के फ़ायदे, उसे कैसे यूज़ करते हैं, पर उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस आउट कर दी थी, तो उसे पार्ट वन कंसिडर कीजिए और आज पार्ट टू करते हैं। मैं आपको और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट में बताया था कि आप अपने कलर को एक टोन लाइटर भी कर सकते हैं, तो पहले मैं उसका एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अब हम नीचे वाले में कलरलेस ब्लेंडर चलाते हैं, लेट इट ड्राई, तो ये एक शेड लाइटर हो चुका है। अगर आपके पास कलर पैलेट लिमिटेड है तो ये काफ़ी हैंडी हो सकता है। अभी इस सर्कल को कलर करते वक्त मुझसे गलती हो गई कि कलर्स बाहर चले गए, तो इस मार्कर को आप एज अ ब्लीच मार्कर यूज कर सकते हो, एज अ इरेजर। इस काम के लिए चिजल टिप बेस्ट रहेगा। आप जहाँ ये कलर आपसे गलती से हो गए वहाँ पर इसे चलाइए। लेट इट ड्राई। एक और चीज़ आप इस कलर लुक ब्लेंडर के साथ कर सकते हैं कि आप अपने आर्टवर्क में टेक्सचर दे सकते हैं, टेक्सचर इन द सेंस क्रोकोडाइल स्किन। लेट मी शो यू। तो क्रोकोडाइल स्किन में जैसे स्केल्स होते हैं, आप अपने आर्टवर्क में अगर ऐसा कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये मार्कर कलर ब्लेंडर यूज हो सकता है। लेट मी शो सी। यहाँ पर होपफुली आप कैमरे में देख पा रहे होंगे कि टेक्सचर्स है। आप इसको जैसे मैंने बताया क्रोकोडाइल के स्केल के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक और टेक्सचर है जो मैं आपको एक बेस टोन पहले करके दिखाता हूँ। इस वाले हमें हम डिज़ाइंस ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह के पैटर्न्स के लिए भी आप कलरलेस ब्लेंडर यूज कर सकते हैं। और लास्ट लोग इसे एज अ प्राइमर यूज करते हैं। मुझे ये टेक्निक उतनी पसंद नहीं, पर आप अपने हिसाब से अगर आपको पसंद आती है, अगर आपके लिए वर्क करता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। करना क्या होता है, जैसे वाटर कलर्स यूज करते हो पहले एक क्लीन वाटर का एक प्राइमर चढ़ाते हैं, उस तरह ये क्लीन अल्कोहल का प्राइमर चढ़ा सकते हैं ताकि ब्लेंडिंग अच्छे से हो, आपके कलर्स अच्छे से दिखे। तो मैं इस पर पहले कलरलेस ब्लेंडर चला लेता हूँ। हम इसमें दो कलर ब्लेंड करेंगे, ऑरेंज और येलो, ताकि काफ़ी अच्छे से दिखे। पहले येलो, पहले ऑरेंज, अब येलो। तो इस तरह आप ब्लेंडिंग के लिए भी इसे यूज सकते हैं। सॉरी गलती से मैं इससे बाहर चला गया। और प्री प्राइमर करके आप अपने कलरलेस ब्लेंडर को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ख़त्म करने से पहले
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब, हम बहुत ज़्यादा करीब है 300 सब्सक्राइबर के। और अगर आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करते जाना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।